नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अब बयान इशू किया है और बताया है कि आखिरकार आलिया ने ये जो वीडियो डाला है इसके पीछे का सच क्या है। नवाजुद्दीन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार जो है सुर्खियां बटोर रहे हैं और अब उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जो कल रात का है और जिस तरीके से उनको घर से बाहर निकाला गया, उनका दावा है कि नवाजुद्दीन ने उनको और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। अब आलिया के आरोपों का जवाब नवाजुद्दीन ने दिया है। हम आपको बता दें कि नवाजुद्दीन की टीम ने एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज ने ये बंगला अपनी मम्मी मेहरुनिसा सिद्दीकी के नाम कर दिया है और इसीलिए अब इस संपत्ति में कौन प्रवेश कर सकता है कौन नहीं, इसका फैसला लेने का अधिकार किसी और के पास नहीं, सिर्फ नवाजुद्दीन की अम्मी के पास है। नवाजुद्दीन की मां की केयर टेकर ने उस संपत्ति पर जाने की अनुमति केवल बच्चों को दी है और उनकी पत्नी आलिया को उस घर में जाने की अनुमति नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि आलिया ने एक वीडियो जो दिखाया है उसमें उनकी बेटी शौरा जो है वो भी रोती हुई काफी नजर आ रही है। वहीं जो ये दावा किया जा रहा है कि आलिया के पास रहने के लिए घर नहीं, इस बात को लेकर भी बताया गया है कि 2016 में मुंबई में आलिया को एक घर दिलाया था नवाजुद्दीन ने, हालांकि आलिया ने उस घर को रेंट पर दे दिया है। तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे विवाद में कौन हीरो है कौन विलन है, लेकिन इन सारे विवादों में जिस तरीके से बच्चों की हालत हो रही है उसको देखकर वाकई में तरस आता है। और अगर आप सोशल मीडिया पर कमेंट देखें तो लोगों का भी ये कहना है कि इन दोनों को एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों का जो हो रहा है उनके फ्यूचर, उनका फ्यूचर दांव पर लग रहा है और उनकी हालत जो है काफी खराब हो रही है।